हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और शाम के 6 बजने वाले हैं और कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा मैंगो शेक बना लेती हूँ। बच्चों का भी मैंगो शेक का बहुत मन है। और आज तारीख है 25 जून और दिन है मंगलवार। आज कई दिन के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जागरण में गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जागरण में जाऊंगी, तो मैं जागरण में गई थी। तो जागरण में तो इतना मन लगा कि वहां पर तो नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन घर पर आने के बाद इतनी थकान लगी और इतनी नींद आ रही थी कि कई दिन के बाद आज नींद पूरी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, हेलो और बच्चे भी मेरे पास ही लेटे हुए हैं। और हेलो करो बेटा। हेलो हेलो, फ्रेंड्स, बेटू मैं जिन्हें किसी है कैसे हैं आप सभी? तो और अच्छे बच्चा और मेरा बेटा देखिए सर बराबर बोल रहा है मेरे। और मैं मैंगो शेक बनाने जाती हूँ, फिर मैंगो शेक बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं मैंगो शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने एक मैंगो कट किया है और मैं 3 गिलास मैंगो शेक बना रही हूँ। 3 गिलास मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी ऐड की है। चम्मच मेरी छोटी है तो मुझे लगा चीनी थोड़ी कम हो सकती है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी और ऐड की। और मैंगो शेक मैं मिक्सी में बना रही हूँ। मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है और गर्मियाँ चल रही हैं तो ठंडा पीना तो बनता ही है। और मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। दूध थोड़ा सा इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जार मेरा छोटा है, अगर मैं इसमें ज़्यादा दूध डाल दूंगी तो सारी चीज़ें मेरी बाहर आने लगेंगी। और फिर मैं इसमें आइस क्यूब्स डालने के बाद इसे मिक्सी में लगाकर अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लूंगी। जब मेरी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर मैं इसको एक जग में कर लूंगी। मैंगो शेक मुझे भी और मेरे बच्चों को भी गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालती हूँ ताकि मैंगो शेक मेरा पतला पतला हो जाए। पतला मैंगो शेक बन जाता है तो मेरा बेटा भी बहुत आराम से पी लेता है, वो गाढ़ा मैंगो शेक उसे पसंद नहीं है। और मैं 1 गिलास लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मेरा मैंगो शेक अब बनकर रेडी हो चुका है। और मैं अब इसे एक अब मैं इसे गिलासों में कर लूँगी। और गिलासों में करने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूंगी। बेटा तो मेरा सादा सिंपल ऐसे ही पीता है, उसे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। मेरी बेटी को मैंगो शेक में थोड़ा सा रुआबजा मिक्स कर दो तो अच्छा लगता है, तो बेटी के लिए मैं इसमें रुआबजा मिक्स कर लेती हूँ। और रुआबजा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमारा मैंगो शेक बनकर रेडी हो चुका है। और फिर तो फ्रेंड्स, मैंगो शेक बनकर मेरा रेडी हो चुका है और आप लोग भी पी लीजिए। तो जब तक मैं मैंगो शेक पीती हूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ। Thank you.
किचन के काम फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं रूम में आ गई हूँ। कुछ कपड़े पड़े थे, मैंने सोचा उनको भी प्रेस करके रख देती हूँ। वैसे मैं डेली ही कपड़े प्रेस कर देती हूँ तो मेरे ज़्यादा कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते हैं, और इकट्ठे करने से फ़ायदा भी क्या है, करना तो हमको ही है, इसलिए काम फैलाने से फ़ायदा क्या है। हाथ के हाथ निपटाते जाओ तो काम भी नहीं फैलता है और काम आसानी से भी हो जाता है। डेली प्रेस कर देती हूँ तो 10 मिनट में कपड़े प्रेस हो जाते हैं। इधर मैं घी बनने रख के आई हूँ, मैंने सोचा जब तक घी बनेगा तो मैं अपने कपड़े भी प्रेस करके निपटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जब तक मैं कपड़े अपने प्रेस करती हूँ उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े मेरे सारे प्रेस हो चुके हैं और मैं यहाँ पर पूजा में आ गई हूँ। पूजा करने के लिए मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, दोनों टाइम मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा का दीपक जलाती हूँ। और वैसे तो मैं सारे भगवान की पूजा करती हूँ लेकिन साईं बाबा को ज़्यादा मानती हूँ। और थर्सडे के दिन तो मैं मंदिर भी जाती हूँ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और सुबह शाम पूजा ज़रूर करती हूँ। वैसे तो सारे भगवान की पूजा करती हूँ लेकिन साईं बाबा को कुछ ज़्यादा मानती हूँ। हम लेडीजों का ज़्यादातर यही रूटीन होता है सुबह शाम पूजा करने का, फिर बाकी काम बाद में करने का। और जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। घी बनने रखा था तो अब मेरा घी भी बनकर तैयार हो चुका है, और जब तक मेरा घी थोड़ा सा रह गया है होने के लिए मैं तेज आंच पर रख के और थोड़ी देर के लिए खड़ी रहूँगी। तो फ्रेंड्स घी मेरा बन चुका है, अभी अभी जस्ट घी बनाकर आई हूँ, और घी को मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ आई हूँ ताकि घी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसे एक साफ डिब्बे में करके रख लूंगी। घी मैं 15 दिन में एक बार निकाल लेती हूँ और घी मेरा काफी सारा इकट्ठा हो जाता है। और फिर मैं घी छानने के बाद रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि रात में हमें डिनर में क्या बनाना है, देखती हूँ हस्बैंड को कॉल करके पूछती हूँ कि रात में वो क्या खाएंगे, फिर डिनर की तैयारी करूँगी। फ्रेंड्स आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, जब हम रूम में रहते हैं तो हमको अच्छा लगता है और जब हम रसोई में जाते हैं तो रसोई में तो गर्मी रहती ही है क्योंकि गैस वगैरह चलती है इसी वजह से, लेकिन हमें रसोई में भी जाना पड़ेगा, खाना तो बनाना ही है आखिर, तो रूम में कब तक रह सकते हैं, तो खाना तो बनाना है इसी वजह से। चलिए मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, घी छानने के बाद मैं डिनर बनाऊँगी। तो हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं और यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं आलू मटर की तहरी बना रही हूँ। वो कहने लगे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मी में तो पानी पीते पीते ही पेट भर जाता है और हल्का फुल्का कुछ खाने का मन करता है। और तहरी तो मैंने बनने रख दी है और यहाँ पर मैं रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रायते में मैं छौंक लगाऊंगी, छौंक लगा के टेस्ट अच्छा लगता है, और कभी कभी दही के साथ खा लेते हैं, कभी कभी रायते का मन करता है, तो आज मैं रायता बना रही हूँ। चटनी वगैरह तो मैंने पीस कर रख ली है, सलाद भी काट लिया है, तो बस अब तहरी बनने की देरी है और रायता मेरा रेडी हो चुका है। बस मुझे छौंकन लगाना है रायते में और उसके बाद मेरा खाना बन जाएगा, तो फिर हम सब लोग बैठ कर डिनर करेंगे। Thank you.
रात के डिनर में मैं तहरी बना रही हूँ और रायता बना रही हूँ। रायता में मैं झोंक लिया है और सलाद वगैरह कट करती हूँ। फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद बूंदी कराऊंगी। और फ्रेंड्स मैंने बूंदी का रायता बनाया। ताहरी बनकर मेरी रेडी हो चुकी है और आप लोग भी खा लीजिए। वैसे देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, देखो खाकर पता चलता है कैसी बनी है। और हमारे साथ साथ आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ और खाना वाना मेरा सब हो चुका है और बर्तन वगैरह सब साफ करके रख दिए हैं। और अपने इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर ये बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट।